तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। और आज साल का फर्स्ट डे है, 1 जनवरी। तो आज चलते हैं, कुछ जगह का प्लान है घूमने का, और आपको भी दिखाते हैं कहाँ जाते हैं। कुछ मंदिरों में जाना है दर्शन के लिए, तो चलते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज फाइनली मम्मी के साथ ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। और फाइनली मम्मी अभी चाय लाई हैं, तो चाय पीते हैं और चलते हैं। फाइनली अभी घूमने के लिए निकल चुके हैं और हमारे साथ हेलो हेलो एक दो लोग अभी आ चुके हैं, और अभी अमन भैया आ रहे हैं, और अभी एक लोग एक मिलेंगे हमें रास्ते पे। चलते हैं और आपको एंजॉय कराते हैं। फाइनली अमन भैया मिल चुके हैं और अभी चलते हैं। सामान मामा, सामान मामा, और कहाँ? गुरुवार। गुरुवार फिर पहाड़ी इलाका कौन सा है? बोलते हैं जैसे गौशाला है वहाँ। गौशाला तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। और यहाँ एक नदी है जिसका जिसे सतधार बोला जाता है, और इसमें काफ़ी अच्छा व्यू है। हालांकि इस समय पानी तो नहीं है इस पर, पर बरसात के मौसम पे काफ़ी अच्छा पानी रहता है। काफ़ी लंबी और चौड़ी नदी है, और एक नीचे थोड़ी सी आपको पुल दिख रही होगी। ये पुरानी वाली पुल है, ये अभी नई नई जिस हम लोग चल रहे हैं जिस ट्रैक की, अभी नई पुल की तैयार हुई है। और ये काफ़ी अच्छी शानदार रोड, ऊँची रोड भी है। ये नीचे आपको दिख रहा होगा पुरानी रोड का व्यू, काफ़ी शानदार रोड। अभी थोड़ा सा चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, ऐसा नहीं है। भाई साहब, पूरा का पूरा इतना ट्रैफिक हो रखा है यहाँ, और यहाँ दर्शन तो दूर की बात है, इंसान दर्शन पाएगा ही नहीं पहली बात। फाइनली पहुँच चुके हैं और अभी चलते हैं दर्शन के लिए। गाइस, यहाँ का ये मार्केट है, और काफ़ी अच्छा यहाँ का मार्केट का व्यू दिख रहा है। और फाइनली अभी हम लोग यहाँ घुस तो आए हैं, बट हाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या कुछ सामान कैसा कैसा नहीं है। काफ़ी अच्छा है, हालाँकि यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक करीबन करीबन जब 2 से 2.5 घंटे समय दो, तब यहाँ दर्शन मिल पाए। जय बसामन मामा की। आपको दिखाते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से। चलते हैं बाहर, शंकर जी के मंदिर है, तो वहीं हम लोग अब नारियल फोड़ेंगे, और इसके बाद आपको कुछ दिखाते हैं पानी के शॉट। माचिस चला लेंगे, हालांकि एक्सपीरियंस तो बहुत है आपको माचिस जलाने का। ओहो, सर एक कीले जलाते हैं इधर, भाई साहब दो दो कीलियों का उपयोग कर रहे हैं। ये पहले माचिस जलाया गया है और अगरबत्ती पे लगाया गया है, ये पूरी लग चुकी है। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। अखंड प्रतापी प्रचंड भक्त अमन पाठक, देखिए ना जैसा।
हेलो हेलो, चलिए आपको दिखाते हैं पूर्वा फॉल। गाइस फाइनली अभी पूर्वा में पहुंच चुके हैं और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से है, अच्छी खासी पहाड़ी है। और चलिए आपको पानी का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखिए आप लोग कैसे पानी का नज़ारा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, इसके बाद से कुंड शुरू हो जाता है जिसके उस पार भी पब्लिक घूम रही है। काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ से राइट साइड में जंगल शुरू हो जाता है क्योंकि काफ़ी अच्छा वहाँ का भी नज़ारा है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन काफ़ी अच्छा वहाँ का भी नज़ारा है। यहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ प्रेजेंट में, यहाँ अभी इस समय तो पानी नहीं है बट हाँ बरसात के मौसम पे अच्छा खासा पानी यहाँ पे बहाव में रहता है क्योंकि कई सारे बंधे भी खुल जाते हैं। और अभी तो इस समय इसमें पानी नहीं है बट हाँ नेक्स्ट टाइम पानी जब रहेगा तो आई होप मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में दिखा पाऊँगा। सो फाइनली अभी अच्छा खासा यहाँ का व्यू मिल रहा है, कैसा लग रहा है? एक नंबर। और कहीं चलना है अभी? अब हो गया सीधा रीवा, रीवा चलें। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अभी वीडियो एडिट करना है। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और उम्मीद करता हूं कि ये साल काफ़ी अच्छा रहे आप सभी के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। गुड नाइट।